व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में अगर कुछ आप लोग अचीव करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप लोगों को अपना थॉट प्रोसेसर अपना चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेसर मतलब सबसे पहले समझो तो सही कि जिस चीज के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्या रियलिटी में आप लोग उसके लिए अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो कि हाँ यार, हम लोग इस पोस्ट पर जाएंगे तो हम लोग ये चेंज कर देंगे। यानी कि अपने आप को उस जोन में तो लेकर आओ सबसे पहले कि हाँ, ये काम हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। जब तक थॉट प्रोसेसर ही आप लोग अपना चेंज नहीं करोगे तो काम कैसे कर पाओगे। इसीलिए बोला जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यहां पर भी वही बोला गया है, आप जैसा विचार करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। अगर पूरे दिन आप लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि यार सुबह जो पढ़ा था भूल गया, शाम को यार मेरे साथ में पढ़ी लिखी चीजें जो भी पढ़ते हैं उसको याद ही नहीं रहती है यार चीजें, ठीक है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता यार, सब मुझसे चिढ़ते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा, दुनिया को आप लोग ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल कि सब आगे निकलते जा रहे हैं, हम तो सबसे पीछे रह गए। तो आप लोग अपने माइंड पर इतना बर्डन बना दे रहे हैं कि आप लोगों को वही चीज फील होने लगती है और उसी तरीके आप लोगों के अंदर से वाइब्रेशन आने लगती है। तो रियलिटी में जिंदगी में अगर आप लोग चाहते हैं एक चीजों को सही तरीके से लेकर चलना, तो ये थॉट प्रोसेसर आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग ये चेंज नहीं करोगे, तब तक आप लोगों की जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो ये तो बात देखो गीता में हजारों साल पहले बोली गई थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी कि जैसा दुनिया को आप लोग देखना चाहोगे वैसी ही दुनिया दिखेगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ खुश है यार, कितनी प्रोग्रेसिव चीजें चल रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है पॉजिटिव वे में, तो आप लोग को अच्छी चीजें नजर आने लगी। पर आप लोग सोचेंगे यार सब कुछ बुरा चल रहा है और दुनिया सारी इधर की उधर हो गई, सब कुछ बेकार हो रहा है, तो वैसी चीजें नजर आने लगी। तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, बहुत कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को प्रोडक्टिव नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज है बेसिकली ये जो लेक्चर होता है हमारा संडे का लेक्चर होता है, तो संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे। और जैसे कि यहां पर ये जो लेक्चर होता है इसके अंदर काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। वीडियो के एंड में मैंने 5 MCQ दिए हैं, ठीक है, जिनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और आप लोग अच्छे लेवल पर अपनी जो स्टडी है उसको लेकर चल पाओगे, ठीक है। उनको अटेम्प्ट कीजिए, उनके आंसर भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, देखता हूं कौन कौन उनके सही आंसर देता है। पर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं इंपोर्टेंट डे के साथ में। इंपोर्टेंट डे क्या है यहाँ पर, ये है वर्ल्ड रेडियो डे। तो रेडियो के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, आई होप कि आप लोग उसके साथ में एग्री होंगे। अगर कोई आप लोगों से पूछे रेडियो डे के बारे में, तो आप लोग क्या लगता है कि रेडियो जो है वो कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या फिर ऐसा है कि हाँ ठीक है रेडियो जो है फालतू की बातें बताते हैं रेडियो में जो बातें होती हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे आज के डेट में, तो आप लोगों के पास में सोशल मीडिया है, अलग अलग तरीके के आप लोगों के पास में प्लेटफॉर्म है, OTT वगैरह आप लोगों के पास में, इंटरनेट है, सारी चीजें हैं मोबाइल में, दुनिया भर के मनोरंजन के साधन है। पर एक टाइम पर ऐसा था कि लोग जो है अपना मनोरंजन रेडियो से किया करते थे। तो उस टाइम पर भी और इवन आज के डेट में भी रेडियो जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है। यानी कि लोग ये मानते हैं कि रेडियो से ज्यादा बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं नहीं मिलती है। और जब मैं रेडियो बात करूं तो मेरे माइंड में चल रहा है ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो जो है वो आप लोग को नमक मिर्च मसाला लगा के कुछ नहीं बताते हैं, जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसे की वैसे आप लोगों के सामने गाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि वो जो है आप लोग को बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसी आप लोगों को मिलनी चाहिए, उसमें कुछ भी TRP का मामला रहता ही नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पर कहीं बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, डिजास्टर आ गया, कोरोना की वजह से दिक्कत चली गई, तो उसमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को गाली दे रहे हैं, वो किसी के बारे में बढ़िया बातें कर रहे हैं, किसी की बुरी बातें कर रहे हैं, जो है वो है, बढ़िया हो चाहे बुरा हो सामने लिख रहे हैं उसको जैसी की जैसी न्यूज है। इसीलिए इसको रेडियो को यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ पर आज से नहीं पुराने टाइम से आप लोगों ने देखा होगा, इंटरनेट सोशल मीडिया ने चीजों को काफी हद तक चेंज कर दिया है। पर लेकिन जैसे कि कोई काली चीजें गंदी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है ना सोसाइटी में, तो बढ़िया चीजें और अलग से चमकने लगती है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर किसी इंसान की आप लोग को अच्छाई नजर नहीं आ रही आज के डेट में, और कोई पास में आके कोई दूसरा इंसान रहना स्टार्ट हो जाए जो काफी खराब किस्म का आदमी है, तो आप लोगों को इस इंसान की अच्छाई दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ यार ये इंसान अच्छा है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, आप लोग जब तक ये बातें, तो मैंने खुद ने फील की है। जब तक मैं घर पे रहा करता था, मतलब कि अपनी 12th जो है मैंने अपने गांव से की है, जब तक मैं गांव में रहता था मतलब ऐसा फील ही नहीं होता था कि मतलब एक कि घर पे रह रहे हैं, मतलब जिंदगी मजे में चल रही है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि मतलब एक कि ऐसा कि खाना खाना है, सोना है, उठना है, अपनी पढ़ाई करनी है, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता था। कुछ चीजें ऐसी जिनका पता ही नहीं रहता था कि कपड़े धुले धुलाए मिल गए, खाना बना बनाया मिल गया, ठीक है, सारी चीजें मजे में चल रही है, सारी चीजें अब तो हमारे घर पे मिल जा रही है, तो उनको कभी हम लोग अहमियत नहीं देते। जिस दिन घर से निकलकर बाहर जाते हैं ना, उस दिन समझ में आता है रियलिटी में कि घर वाले, खासकर घर वालों में बात करें अगर, कि किस तरीके सारी सर्विस आप लोगों को वहां पर मिलती है। बाहर जाकर जब अपने आप करते हैं ना, तब समझ में आता है, कपड़े अपने आप धुलने पड़ रहे हैं, खाने का अरेंजमेंट अपने आप करना पड़ रहा है, सारी चीजें अपने आप से देखनी पड़ रही है।
तो वो सारी चीजें समझ में आती है। तो वही कहते हैं कि इंसान की कीमत जब समझ में आती है जब वो इंसान चला जाता है। तो हमेशा रेस्पेक्ट करना चीजों चीजों की रेस्पेक्ट करना सीखो, मम्मी बहन या फिर घर में पापा जो भी हैं, जो भी वो काम करते हैं आप लोगों के लिए उनको अहमियत देना सीखो, ठीक है। तो आप लोग देखना आप लोगों के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आने लगेगी। ऐसे यहां पर रेडियो के बारे में बताया जा रहा है, इसको अहमियत दो क्योंकि ये जो सोर्स है उसको हम लोग ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा रेडियो का काफी लार्ज स्केल पर यूज किया गया। अंडरग्राउंड जब रेडियो चलाई गई यहां पर हमारी कंट्री में, जब 1941 की बात करूं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर बात की जाए, तो कोई एक आधे लीडर का नाम बताओ जिसने उस रेडियो की कमान संभाली थी। एक लड़की का नाम आप लोग बताना जो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती, काफी ज्यादा उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखता हूं किसने हिस्ट्री पढ़ रखी है, अभी पता चलेगा, अभी सारे पत्ते खुलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल वुमेन डे के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इंपोर्टेंट डे आप लोगों के सामने निकल कर आता है 13 फरवरी। आप लोग बोलोगे 13 फरवरी क्या है, आखिर इस दिन को क्यों सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली बर्थडे फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू जी जो थी यहां पर, ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। देखिए अंग्रेजों के टाइम पर ना हम लोगों ने अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें अपनी आजादी के लिए लड़ाई लगी, पर लेकिन वहां पर भी हमारी पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान हमारी सोसाइटी थी। उस टाइम पर पुरुष यानी कि जो लोग हैं जो मैन हैं उनके ही अधिकारों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उनके भी अधिकार जो है वो प्रॉपर वे में हम लोग को नहीं मिल पा रहे थे। तो सोचो उस टाइम पर खासकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करना, तो है ना कुछ डिफरेंट बातें। यानी कि नॉर्मल अगर हम लोग बोल देंगे ठीक है पुरुष के अधिकारों के बारे में बात की जा रही है तो चलो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पर उस टाइम पर महिला के अधिकारों में बात करना तो एक नेक्स्ट स्टेप आगे चले जाकर इनके द्वारा वो बातें उठाई गई, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए यहां पर वर्ल्ड जो हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वुमेन डे के बारे में, तो आप लोगों को पता है किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, बताइए किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। अभी आगे आने वाला है अगले महीने में, देखता हूं किस चीज को याद है। और इसी के साथ में नेशनल वुमेन डे याद रखिएगा 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 13 फरवरी ये 1879, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो यहां पर ईयर है यहां पर इनका जन्म हुआ था, तो इसी के चलते यहां पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और नाइट एंगल के नाम से भी इनको जानते हैं, नाइट एंगल ऑफ इंडिया और भारतीय कोकिला आप लोग बोल सकते हैं। तो सरोजनी नायडू जी का नाम यहां पर इनके साथ में कनेक्ट है। और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में अगर पढ़ने के लिए कुछ आता है तो भी आप लोग यहां पर इनके बारे में याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कहीं ना कहीं डे है तो थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बातें की, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन, इनका आंसर दीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं आंसर आप लोगों को बताता हूं, और तब तक फिर कुछ आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इनको भी डिस्कस करूंगा अच्छे से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन को पहले सुनिएगा उसके बाद में अटेम्प्ट करके आंसर दीजिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको आप लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं, इसकी रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो केस संतरण कमेटी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताइए जरा। इसको क्रिएट किया गया था 1964 में और इसको स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया 1964 में, कंफर्म किया गया स्टैचुटरी स्टेटस। स्टैचुटरी स्टेटस क्या होता है, जब पार्लियामेंट में किसी कानून को पास कर आप लोग बनाते हैं तो उसको स्टैचुटरी यानी कि वैधानिक दर्जा बोलते हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है, ए बी सी एफ डी। क्वेश्चन नंबर 2, ये कई सारे वीजा मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे जो कि यूएसए के द्वारा यहां पर ये वीजा दिए जाते हैं। H1B वीजा जो होता है वो स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए होता है, पहली स्टेटमेंट। H4 वीजा जो होता है वो सीजनल वर्कर के लिए होता है, दूसरी स्टेटमेंट। L1 वो वीजा होता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का वीजा होता है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर कवर है, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर दीजिए, देखता हूं किसके चक्षु खुले हैं और किसने चीजें अच्छे से याद रखी है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से ऑलरेडी, उसी से क्वेश्चन ये सारे फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आयरलैंड के बारे में, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर है, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। यहां पर अरेंज करने के लिए आ जाता है कई बार नॉर्थ से साउथ में आप लोगों को लगाना है अंडमान निकोबार के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, तो बात की जाए कार निकोबार के बारे में, लिटिल अंडमान के बारे में, इसी के साथ में नन कौवरी जो बेसिकली एरिया है यहां पर ये, और मिडिल अंडमान के बारे में। तो आप लोगों को यहां पर साउथ से नॉर्थ लगाना है, या फिर नॉर्थ से साउथ भी आ जाए तो आप लोग एक बार अगर इसको याद कर लोगे, फिर नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ पूछे तो कंफ्यूजन तो कुछ होगा नहीं, तो सही से उसे पढ़ लेना। ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी बोला गया 2, 3 एंड 4 एंड 1, सी बोला गया 3, 1, 2 एंड 4 और डी बोला गया 4, 2, 3 एंड 1। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, बात कर रहे हैं यहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहां पर किस तरीके से चीजें चल रही हैं उनके बारे में बताता है, बेसिकली करप्शन के बारे में बताता है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर ये देता है।
तो बोला जा रहा है कि एक एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1993 में बनाई गई थी, ठीक है, और जनेवा स्विट्जरलैंड के इसका अंदर हेडक्वार्टर है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इट इज द मोस्ट नोटेबल पब्लिकेशन, यानी कि सबसे नोटेबल पब्लिकेशन है यहाँ पर ग्लोबल करप्शन जो बैरोमीटर होता है और यहाँ पर बेसिकली जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बोले गए, यानी कि दो रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करती है यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो सही है, तो कौन सी सही है? ए में बोला गया वन ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोगों के सामने, ये बात करें एनजीटी के बारे में, जिसको आप लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय हरित ये अधिकरण आप लोग इसको बोलते हैं, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को देखता है। एक बच्चा बोला था कि सब क्यों क्रिएट किया गया, ये ऑलरेडी केस तो है हमारी कंट्री में, कोर्ट तो है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गए। तो यार देखो यार, वो कोर्ट अपनी जगह है, पर लेकिन रियलिटी में इन्वायरमेंट के जो मैटर है, मान लीजिए कोई कोई प्रोजेक्ट कहीं पर लगाना है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मान लीजिए क्या कर रहा है उस एरिया में, एक नदी के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है, तो वहां पर नदी के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे और वो केस चला गया कोर्ट के अंदर में। अब कोर्ट में तो वो केस जो है वो एक साल दो साल पांच साल पचास साल पड़ा रहेगा, तब तक पता चला नदी की कहानी खराब कर दी उस प्रोजेक्ट ने, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये रहता है कि जल्दी से जल्दी मैटर को निपटाया जाए, तो ये केस जो है यहां पर इसके अंदर पहुंचे जाते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, तो बातें करेंगे इसके बारे में, कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा बैकग्राउंड के साथ में, समझ पाओगे। बोला जा रहा है स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली स्टेटमेंट, इंडिया थर्ड कंट्री यहां पर जिसके द्वारा एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया गया, और तीसरा बोला गया कि यहां पर नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है एनजीटी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन एंड टू, बी बोला गया टू एंड थ्री, सी बोला गया वन एंड थ्री, एंड डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। मैं आशा करता हूँ यार इनका आंसर कम से कम आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इनका आंसर दोगे, और बेसिकली एक्सपेक्ट करने का रीजन भी है क्योंकि ये बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है सारी न्यूज, ठीक है। तो फिर वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को सुनकर जाइएगा क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से चीजों को आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, जीएस पेपर टू के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट के साथ में बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी यहाँ पर कवर की गई, तो इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, और पीआईबी के अंदर भी कवर की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो समझते हैं इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है, जब आप लोग फंडामेंटल राइट, जिनको मूल या फिर मौलिक अधिकार आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो पार्ट थर्ड में आप लोगों को वो देखने को मिलते हैं। पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। उसके अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के जब सेक्शन ए में वन में जाएंगे और वन के भी आप लोग ए में जाएंगे, तो ये आप लोगों को फ्रीडम ऑफ जो यहां पर बेसिकली एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, आप लोग किसी को बोलकर बता सकते हो, लिखकर बता सकते हो, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने बोलकर अपने एक्सप्रेशन दे दिए, लिखकर अपने एक्सप्रेशन दे दिए, तो एक तरीके से जब आप लोग लिखकर एक्सप्रेशन देते हो यहाँ पर, तो वो मीडिया का रोल आ जाता है यहाँ पर कि हाँ आप लोगों ने अपनी बातें रखी यहाँ पर। तो मीडिया जो है ये माना जाता है कि आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में से निकल कर आया, तो ये यहां से हम लोगों ने मान लिया। क्यों माना? उसका रीजन ये है, हम लोगों ने अभी यहां पर देख लिया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है यहां पर कि हाँ मीडिया इसके अंदर है, तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन देकर पूछ ले कि भाई साहब मीडिया जो है वो कौन से आर्टिकल में डायरेक्ट लिखा हुआ है संविधान में, तो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जब उसके पास में केसेस जाते हैं, तो उसके बेस पर डिफाइन करता है, अच्छा यहां से हम लोग मीडिया को ले सकते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब मीडिया के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी मैं बातें करूं, यहां पर बात की गई एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में, जिसको बोलते हैं यहां पर सेंट्रल मीडिया एक्रीडिएशन गाइडलाइन 2022। अब सेंट्रल मीडिया एक्रीडिएशन गाइडलाइन तो आप लोगों को बाद में पता चलेगी कि क्या मुद्दा है इसके बारे में, पहले आप लोग ये बताइए कौन सा मीडिया होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जैसे कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ठीक है, हमारी कंट्री में कोई पर्टिकुलर जो आज के में मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, तो कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पत्रकार होते हैं वो डायरेक्ट जाकर उनसे बातें करते हैं, ठीक है, कि हाँ बातें कर रहे हैं उनसे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे जाकर। तो यहां पर ऐसा थोड़ी ना कोई भी कल को चलकर मार्केट में पत्रकार आएगा, पत्रकारिता करने लगेगा और डायरेक्ट वो सीएम ऑफिस यहां पर सीएम पीएम तक यहां पर पहुंच जाएगा, नहीं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पत्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको यहां पर एक दर्जा दिया जाता है कि हाँ यही इंसान जो है वो यहां पर इनसे जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनको जो ये दर्जा दिया जाता है, उनको ये दर्जा देने के साथ में उनको कई सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। अच्छा ये दर्जा तुमको मिल गया तो लो ये फैसिलिटीज तुमको मिल जाती हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है, उन पत्रकारों के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो अभी रिसेंटली जो बेसिकली यहां पर ये बात की जा रही है, रिसेंटली जो सेंटर के द्वारा रिलीज की गई है गाइडलाइन, ये उन पत्रकारों के लिए है कि अपने अधिकार का जो एक तरीके से जो फायदा है वो गलत तरीके से नहीं कर रहे, ऐसी बातें यहां पर। आखिर क्या क्या फायदे मिलते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो यहां पर बात की जा रही है एप्लीकेशन फॉर एक्रीडिएशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर आप लोगों को जो मैं पीआईबी की इन्फॉर्मेशन पढ़ाता हूं, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसके कई सारे आर्टिकल हम लोग कवर करते हैं, तो उसके ऊपर फोकस दिया जाता है यहां पर।
तो ये उसके चलते यहां पर जो सेंट्रल प्रेस एक्रेडिएशन कमेटी है वो हेडेड की जाती है, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं पीआईबी के, उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। और हमारे देश में अगर कोई पूछ ले आज के में ऐसे कितने पत्रकार हैं जो कि यहां पर इस तरीके की जिनको उपाधि मिली हुई है, तो यहां पर 2457 ऐसे पत्रकार हैं जिनको यहां पर एक्रेडिएटेड जर्नलिस्ट बोला जाता है, यानी कि उनको रिकॉग्नाइज किया गया है यहां पर कि हाँ भाई साहब आप लोग ऐसे जर्नलिस्ट हैं। और ऐसा नहीं कि किसी को भी बुला दिया कि भाई साहब कल का निकला हुआ लड़का कोई आ गया और बोल रहा है कि मैं ये पत्रकार बनूंगा, एक बाकायदा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्योंकि पता चला प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा था एक लेवल होना चाहिए ना, वैसे टाइम कम होता है प्राइम मिनिस्टर के पास में या मिनिस्टर के पास में, बहुत सारे काम देखने होते हैं, कोई जाकर वहां फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फालतू के क्वेश्चन मतलब जिनका कोई ओरा धोरा नहीं है, जिनके बारे में कोई सोसाइटी पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है पॉजिटिव, उनके बारे में जाकर बात कर रहे हैं, तो वो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर बेनिफिट होते हैं बकायदा इनको जब ऐसे पत्रकार के बारे में बात करें, जैसे कि कोई भी अगर बिग इवेंट है यहां पर, ये उनको वीवीआईपी जो यहां पर बेसिकली जो यहां पर एक तरीके से जो इवेंट कहीं पर होता है तो वहां पर वो जा सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है वहां पर, वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर, प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, ये मिनिस्टर है, तो ये एक्रेडिटेड जो जर्नलिस्ट है ओनली इन्हीं को रिपोर्टिंग के लिए वहां पर बुलाया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गैरा नत्तू खैरा जाकर वहां पर चला जाएगा। तो जिसको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो प्रॉपर इसको यहां पर ये एक तरीके से इस कैटेगरी में रखा होगा, उसी को यहां पर अलाउ किया जाता है। तो ये फायदा हो गया, इसका मतलब ये होगा कि वो जो इंसान होगा वो अच्छे से यहां पर रिपोर्टिंग कर पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वो एक तरीके से सूझबूझ वाला इंसान है, पहली बात। इंपॉर्टेंट बातें आगे क्या है, आगे यहां पर बात ये जा रही है, अगर किसी को यहां पर ये दर्जा मिला होता है, ठीक है, ही और सी जो भी है यहां पर, वो यूनियन मिनिस्टर के ऑफिस में यहां पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्रेडिटेड जो है उसको डज नॉट हैव द डिस्क्लोज, पर लेकिन डिस्क्लोज नहीं करना है कि किस लिए यहां पर इंटेंशन क्या उनकी जाने की, यानी कि वो मिलकर आ जाएंगे, किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना है कि क्यों मिलकर आगे यहां पर, तो उनको इतना अधिकार रहता है यहां पर, तो है ना फायदे की बात यहां पर अगर इस प्रकार के जर्नलिस्ट कोई बनता है। इसी के साथ में उनकी एंट्री जो रहती है, जो बिल्डिंग रहती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी जोन में भी यहाँ पर वो एंट्री कर सकते हैं, उनको ये अलाउ किया जाता है, यानी कि उनका अधिकार रहता है यहाँ पर ये कि हाँ वो यहाँ पर जाकर भी बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, अपनी बातें यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये अधिकार यहाँ पर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को दिया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे और भी बेनिफिट होते हैं, जैसे उनकी फैमिली वगैरह के लिए कई सारे फायदे यहाँ पर पूछाए जाते हैं कि कई सारे बेनिफिट फैमिली को मिल गए, इंक्लूडिंग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हो गई या कंसेशन हो गया रेलवे टिकट वगैरह में, ताकि वो लाइफ की उनकी फैमिली जो है वो एंजॉय कर सके। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, जब किसी चीज को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, किसी चीज को गवर्नमेंट फायदा पहुंचा रही है, तो भाई साहब उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाएगी, और रिस्ट्रिक्शन भी हवाबाजी में नहीं लगती है, उसके लिए प्रॉपर बकायदा प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और वो प्रोविजन दे रखे हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल बेसिकली 19 के अंदर में, तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है यहां पर, ये प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, याद रखिएगा ये लाइन में इसलिए पढ़ के बता रहा हूं ताकि कभी लिखने के लिए भी आ जाए ना आप लोगों को, आंसर राइटिंग में आप लोग लिख रहे हैं तो ये प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में आप लोग वहां पर लिख सकें। आर्टिकल 19 बात करता है कि आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की जाती है, उनको बेसिकली किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, तो ये यहां पर हमारी कंट्री में आर्टिकल 19 का भी आगे थोड़ा बढ़ेंगे, उसका 1 और 1 का भी ए, तो इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर ये जो इनकी फ्रीडम है ना, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि जहां जाए जहां जो चाहे वो करके आ जाए मजे में, कोई इनको रोकेगा टोकेगा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहां पर एक आर्टिकल इसी के अंदर में आर्टिकल 19 के 2 में जाएंगे, तो वो बोलता है कि कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे भाई साहब, ऐसे थोड़े ना छोड़ेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन भी तो ऐसे थोड़े ना कि आप लोग किसी को भी कुछ भी बोल दोगे ये काम नहीं करना है, उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि इसलिए काम नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग बच्चे को डांट रहे हो कोई घर में, ठीक है, तो बच्चे को बस उठाया डांट दिया, अब बच्चा बोला पता ही नहीं चला क्यों डांट के चले गए घर वाले, अरे बताओ तो सही उसको इसलिए डांटा ताकि आगे वो गलती ना करें, तो उसको प्रॉपर बच्चे को इन्फॉर्मेशन दो कि इसलिए तुमको डांट पड़ी है यहाँ पर। तो ऐसे ही है कि यहाँ पर कोई भी काम होना चाहिए उसका रीजन होना चाहिए, बिना रीजन के तो फिर बेवकूफ बोलेंगे लोग, यहाँ ये इंसान ना सर फिरा है, इससे दूर है ना, ये ना बिना रीजन के कुछ भी कर देता है, ठीक है, तो वाली हालत नहीं करनी है। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश की संप्रभुता और अगर एकता का कोई हनन करता है तो उसको यहाँ पर टांग दिया जाएगा मतलब उसकी फ्रीडम साइड में रख दी जाएगी, ठीक है। अगर स्टेट की सिक्योरिटी तो ऊपर लग जाए उसकी वैसे, तो उसको साइड में किया जाएगा। हमारे देश के काफी अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान और चाइना के साथ में, अगर वो रिलेशन और ज्यादा बिगाड़ने का काम करेगा तो उसको साइड में कर दिया जाएगा, ठीक है। पता है ना कितने अच्छे रिलेशन है दोनों के साथ में मतलब फ्रेंडली देश की बात की जा रही है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो ये भी ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत कैटेगरी में रहते हैं, सब एक ही जैसे हैं, बस वो देखने का नजरिया अलग अलग है। पब्लिक ऑर्डर को बेकार करने का काम करते हैं, ठीक है, मोरलिटी या डिसेंसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं, किसी को डिफेमेशन यानी कि किसी की एक तरीके से इज्जत की बेइज्जती करता है, उसकी जिसकी इज्जत बनाई है इंसान ने ले देकर। इसी के साथ में कोई ऑफेंस इस इंसाइटमेंट करता है रिलीजन के नाम पर लोगों को भड़काते, तो भाई साहब उस टाइम पर ना फ्रीडम जो है वो एक तरीके से हैंगर में टांग दी जाएगी, ठीक है। उस टाइम पर फिर आप लोगों की फ्रीडम काम नहीं करेगी, उस टाइम पर काम करेगा तो डंडा ओनली कि ये हरकतें क्यों होगी, तो कोई भी फ्रीडम यहां पर नहीं रहने वाली है, तो ये बातें बोली गई है, ओके।
अब यहां पर कुछ मुद्दे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि बात करें अगर प्रोविजन टू विड्रो या सस्पेंड कर दिए गए एक्रेडिटेशन के लिए, मतलब ये सस्पेंड किया जा सकता है उनका एक्रेडिटेशन अगर कोई जो जर्नलिस्ट है यहां पर वो एक तरीके से प्रिजुडिशियल यानी कि हानिकारक तरीके से सिक्योरिटी सॉवरेंटी जो मैंने अभी बताया ना वो वाले काम करता है अगर कोई भी, तो यहां पर तो उसको ये अधिकार मिलते ही नहीं है। इवन इसके अंदर इस कानून के अंदर भी यहां पर उसको जो है बेसिकली उसका एक्रेडिटेशन जो उसको दिया गया जो अधिकार की कहीं पर भी जाकर घुस जाए किससे क्वेश्चन पूछ ले वो सारी यहां से उससे छीन ली जाएगी और सीरियस यहां पर गंभीर जिसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। कॉग्निजेबल पता क्या होता है, ये होता है बेसिकली बिना बेल के ही, मतलब एक तरीके से बिना वारंट के ही आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से किसी को वहां पर एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है तो आप लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा उस कैटेगरी में। किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, वहां पर नॉर्मली होता है। ठीक है, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया इसको, तो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो है ना बड़ी बात। तो यहां पर कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात बोलेंगे accredited media person जो है देखिए वो prohibit किया जाता है using the word accredited to the government of India। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे कि आप लोग बोलो कि यहाँ पर इसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग क्या करो कहीं पर भी जाओ आप लोग मतलब एक तरीके से ना कि एक तरीके से टैग लगा लो कि हाँ आप लोग ऐसे भी फैमिली के मेंबर है। ठीक है, और मैं बोल दूं कि नहीं यार ये टैग आप लोगों को पब्लिक में यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये टैग आप लोगों को यूज नहीं करना है। यानी कि इसका आप लोगों को दिया तो गया ये टैग पर लेकिन इसका इस्तेमाल आप लोगों को पब्लिक में कोई फायदा उठाने के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कि एक तरीके से ना कोई उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो वो वाला नहीं करना है। तो पब्लिकली सोशल मीडिया पर या मीडिया में कहीं भी आप लोगों को उसके बारे में पब्लिसाइज नहीं करना है चीजों को, क्योंकि अगर पता चल जाए ये एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है तो हो सकता है उसको कोई गलत फायदा उठाने लगे। ठीक है, कि हाँ यार ये तो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है यहाँ पर, इसका कोई फायदा उठा ले बोले कि जाकर ये सवाल पूछना या फिर अंदर की बातें उससे पूछने लगे कि हाँ क्या क्या चल रहा है, तो वो सारी बातें ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप लोगों को एक प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात आ जाती है। तो एक्रेडिटेड जो जर्नलिस्ट है उसके सामने कुछ चीजें रखी गई है। अब आप लोग बोलेंगे यार ये बनता कैसे है, किसी का अगर फील्ड है जर्नलिज्म किसी को इंटरेस्ट आ रहा है कि यार हम भी जाएंगे इसमें, तो आप लोग बताइए किसी का है इंटरेस्ट जर्नलिस्ट बनने में तो बताइए जरा। हालांकि आज की डेट में हर एक इंसान जर्नलिस्ट है पर फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जर्नलिस्ट अगर जर्नलिज्म चाहिए तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली अवेलेबल है किसके लिए, जर्नलिस्ट जो रहते हैं दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि सारी मिनिस्ट्री सारे मंत्रालय आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेंगे, तो इसलिए एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमेशा एनसीआर वाले रीजन में लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, या तो वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो मिनिमम 5 साल के लिए एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसके पास में हो जर्नलिज्म का, यानी कि वो जर्नलिस्ट रह चुका हो 5 साल के लिए, पहली स्टेटमेंट तो ये बोली गई है, यानी कि जर्नलिस्ट के पद पर कम से कम 5 साल रहा हो। दूसरा बोला गया है यहां पर वो कैमरामैन रहा हो आने मतलब लगभग वहां पर काफी लंबे समय तक कैमरामैन रहा हो। ठीक है, एक तरीके से न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, या फिर यहां पर एक तरीके से मिनिमम 15 साल के लिए यहां पर एक फ्रीलांसर के तौर पर काम किया हो। अब ये सब काफी इंपोर्टेंट है फ्रीलांसर, इसको याद रखिएगा। आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट इंसान हूं, एक फ्रीलांस टाइप का इंसान हूं, अपने लिए मान लिए पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, अपने लिए पढ़ा रहा हूं यहां पर, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट पढ़ा रहा हूं। कल को चलकर मैं क्या करने लगूं, अलग अलग जो चैनल है उनके ऊपर लेक्चर लेने लगूं। ठीक है, कोई ए चैनल है एक लेक्चर उसके ऊपर ले दिया, कोई बी चैनल है एक लेक्चर उसके ऊपर ले दिया। ठीक है, इसी के साथ में किसी कोचिंग में जाकर मैंने कोई लेक्चर ले दिया सी टाइप में कोई यहां पर, इसी के साथ में किसी और जगह यहां पर कोई भी पढ़ा रहा है वो बोलो कि सर एक लेक्चर हमारे यहां ले दो आकर, वहां पर जाकर मैंने लेक्चर ले दिए। ठीक है, तो वहां पर टाइम दे रहा हूं लेक्चर और वहां से कुछ ना कुछ फीस ले रहा हूं क्योंकि आने जाने में खर्च लग रहा है मेरा, टाइम उनको दे रहा हूं, तो उसके चलते में हो सकता है उस टाइम पर कोई और प्रोडक्टिव काम करता तो एक पर्टिकुलर फीस लेता है इंसान अपने उस काम के लिए। यानी कि इसको उस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली किसी एक के साथ में कनेक्ट ना होना और सबके साथ में जहां मन करे वहां काम कर लेना, उसको फ्रीलांस की कैटेगरी में बोलते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, ये आप लोग और अच्छे समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में वो पर्टिकुलर जुड़ी हुई है यहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में कि हाँ इसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी, पर लेकिन एक इंडिपेंडेंट बंदा है उसको कोई भी काम दो वो काम करता है और फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर बना काम खत्म, तुम अपने घर हर अपने घर खाना हजम। ठीक है, वो वाली बात है, उसको जो भी सॉफ्टवेयर दोगे बना काम कर देगा, तो फ्रीलांस इस टाइप में काम करने वाला इंसान होता है। तो उसने उसने 15 साल तक लगभग काम किया हो और इसी के साथ में ये उन लोगों को भी दिया है जो कि ठीक ठाक काफी लंबा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, यानी कि लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुके हैं और ओल्डर देन 65 ईयर हो चुके हैं, वो भी यहां पर इसके अंदर एलिजिबल आ जाते हैं कि हाँ भाई साहब अच्छा खासा इंसान एक एक्सपीरियंस के साथ बैठा हुआ है, तो ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, इस इंसान को भी यहां पर ये अधिकार दिया जा सकता है। तो एक ये है यहां पर अगर कोई एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो एक ये भी काफी इंपोर्टेंट यहां पर बेसिकली ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बने तो।
अब कुछ और बातें यहां पर, ये एक्रेडिटेशन मैंने आप लोगों को इंसान को तो बता दिया कि हाँ इस इंसान को यहां पर एक्रेडिटेशन मिल जाएगा, पर लेकिन अगर किसी न्यूज़पेपर को यहां पर अगर कुछ ऐसा यहां पर प्रोविजन देना है कि ये न्यूज़पेपर को दे दे, इस न्यूज़पेपर का पर्सन है, ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई पीरियोडिक जो भी यहां पर जो साप्ताहिक कोई मैगजीन निकलती है काइंड ऑफ इस तरीके से, कोई भी अगर साप्ताहिक पेपर है तो यहां पर मिनिमम डेली उसके सर्कुलेशन जो है लगभग यहां पर 10,000 उसने पब्लिश किए हो, ठीक है, या फिर न्यूज एजेंसी के द्वारा एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर हो उसके न्यूज एजेंसी के, जो यहां पर उसके यहां पर एक तरह पेपर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहां पर ये फायदा मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन कंट्री से भी हमारे देश में आकर कोई एक्रेडिटेशन लेना चाहता है तो ये स्टेटमेंट आप लोगों से क्वेश्चन देकर कंफ्यूजन में डाला जा सकता है कि इंडियन जर्नलिस्ट को ही एक्रेडिटेशन मिलता है, नहीं, फॉरेन जर्नलिस्ट को भी मिलता है, उसके लिए भी सेम कंडीशन है, ठीक है, जैसे यहां पर इंडियन जर्नलिस्ट के लिए रखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर टू, यहां पर अगर कोई डिजिटल फॉर्म में काम कर रहा है, ये तो हो गया जो नॉर्मल तरीके से अगर बात करें, एक न्यूज़पेपर आप लोगों का ऑफलाइन आता है उसके बारे में बात करूं, कोई डिजिटल फॉर्म में अगर काम कर रहा है तो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को अगर ये एलिजिबिलिटी चाहिए तो उसकी वेबसाइट पर मिनिमम 10 लाख के करीब यूनिक विजिटर पर मंथ होने चाहिए, यानी कि हर महीने कम से कम 10 लाख के करीब लोग उसकी वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो उसको यहां पर ये बेसिकली उपाधि मिल सकती है, पर मंथ की बात की जा रही है, एक दिन की नहीं। पर लेकिन एक्रेडिटेशन किसको नहीं मिलेगा, अगर कोई यहां पर एक तरीके से फ्रीलांस काम कर रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट किसी से भी जाकर यहां पर कुछ भी एक तरीके से काम करता है किसी के साथ भी, और इसी के साथ में यहां पर क्या कर रहा है, फॉरेन न्यूज मीडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है किसी के साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीलांस है तो फ्रीलांसर किसी के साथ में जुड़ा हुआ ना हो उसको ये दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि डबल नहीं होना चाहिए काम। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। इसके लिए हमारी कंट्री में सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी बनाई जाती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है, तो सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी यहां पर ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ये चेयर की जाती है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, अभी बताया ना मैंने यहां पर जो डायरेक्टर जनरल रहता है पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसके आर्टिकल डेली कवर करते हैं, उसके द्वारा, और 25 मेंबर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, 25 मेंबर नॉमिनेटेड गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जो कि अपने फंक्शन यहां पर बेसिकली जो कि गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से डिस्चार्ज करते हैं। इनका जो पीरियड रहता है यहां पर फंक्शन का वो 2 साल के लिए रहता है, ठीक है, जिस दिन से इनकी मीटिंग पहली होती है वहां से इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है, और यहां पर ये वंस इन ए क्वार्टर, इनके एक तरीके से या फिर ज्यादा उनको लगे तो इनकी मीटिंग होती रहती है, ताकि कैसे जर्नलिज्म चल रहा है, एक्रेडिटेड जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसकी देखरेख की जाती है, और प्रॉपर इनको एक बैच दिया जाता है जो कि यहां पर ये रखते हैं, अगर कल को कोई इनको रोके ना यहां पर कि अच्छा ये वाला तो वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, तो उसको अलाउ किया जाए, कोई रोक टोक ना करे ज्यादा इनकी जिंदगी में। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल कर आती है वो है यहां पर ओखला क्या है बेसिकली, मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट है यहां पर, अब जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, कुछ भी कुछ गलत हो रहा है यहां पर तो उसको सामने निकाल कर लेकर आना, ये उसका काम होता है, कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, कोई करप्शन कर रहा है यहां पर, कोई और यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है, घोटाला किया जा रहा है यहां पर बेसिकली जॉब के मामले में या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो दिक्कत क्या रहती है यहां पर, अगर तब तक हम लोग बात करेंगे देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के बारे में तब तक तो सही है, चलो ठीक है, वो पर्सन इस तरीके की हरकतें ना करें, पर लेकिन उसको गवर्नमेंट के खिलाफ भी तो बोलना पड़ेगा यहां पर, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो सबसे बड़ा कंसर्न यहीं पे निकल कर आता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर कुछ गलत काम कर रही है, पता चला स्कीम बनाएगी उसका लोगों को फायदा नहीं उठ रहा है, अब ये क्रिटिसाइज करेगा यहां पर। अब यहां पर कई बार इसके चलते जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, कई बार कई सारे इश्यूज को लेकर यहां पर वॉयलेशन होता है तो कई सारे प्रोविजन का, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो जर्नलिज्म जिस पर्पज के लिए जर्नलिज्म बनाया गया है उस पर्पज के लिए नॉर्मली कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है, तो ऐसे भी इश्यूज यहां पर निकल के आते हैं, तो इसलिए यहां पर कई भी सेंसिटिव जो केस होते हैं नॉर्मली कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा, नहीं बोलते गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है, मीडिया जैसा मीडिया लगता ही नहीं आज के डेट में, आप लोग खुद ही देख लो यार, आज के डेट में स्टूडेंट जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, कितने सारे मीडिया हाउसेज ने आप लोगों की बातें उठाई किसी मीडिया हाउसेज ने, तो आज के डेट में जो मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, कितने सारे लोग हैं जो आप लोग बता रहे हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अगर बात करें किसानों की डेथ हो रही थी वहां पर, आप लोगों को पता है कितने सारे किसानों की जान गई, क्या कई सारे मीडिया हाउसेज ने यहां पर बताया बच्चों के ऊपर यहां पर अगर कोई भी किसी के द्वारा पिटाई की जा रही है कहीं पर, क्या कोई आप लोगों को बता रहा है वो बातें? ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी राजस्थान के बारे में, तो लड़की जो है वो चिल्ला रही है उसके ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर, किससे चलते यार मारी दो, तड़पा रहे हो, कई सारे एग्जाम होते हैं बार बार कैंसिल होते रहते हैं, तो चाहे कोई बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों हो, नॉर्मली जर्नलिज्म अगर वहां पर ठीक से काम कर रहा है तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट सही है, और अगर जर्नलिज्म जो है वहां ढंग से काम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, क्योंकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और जनता को यहां पर जनता नहीं मान रहे बेसिकली सर पे आकर बैठ गए, तो वाली दिक्कत देखने को मिलती है। इसीलिए डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है मीडिया को, तो मीडिया इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए यहां पर। जैसे लेजिस्लेटिव क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है, जुडिशरी ये देखती है कि इन्होंने कानून बनाया है सही या फिर गलत उसको देखती है, और फिर मीडिया क्या करती है पब्लिक के सामने सारी चीजें रखती है, तो मीडिया एक कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है, तो इसलिए मीडिया जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, पर लेकिन वो तब तक ही रोल प्ले करती है जब तक वो इंडिपेंडेंट है, अगर किसी के अंदर आ गई तो भाई साहब फिर देह इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा,
तो ये जरूरी है कि मीडिया का इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है। एक और छोटी सी बात यहां पर, अगर आप लोग कल को चलकर जैसे सिलेक्शन हो जाते हैं और आप लोग किसी पोस्ट पर जाकर बैठ जाते हो, तो स्टार्टिंग से आप लोग को अपना रूल और रेगुलेशन बनाकर चलना पड़ेगा कि कानून के दायरे में रहते हुए काम करना है। कोई पॉलिटिशियन कल को आप लोग को बोले कि यार ये काम कर दो और वो बेसिकली कानून के दायरे से बाहर है, तो आप लोग को तुरंत उसको ना बोलना है, ठीक है। अगर एक बार आप लोगों ने हाँ करना स्टार्ट कर दिया, जिंदगी में एंजॉय तो करते रहोगे, अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती रहेगी, सारी चीजें चलती रहेगी, पर कभी भी अपने गिरेमान में झांक कर अपने आप को शीशे में मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो ये स्टार्टिंग से अगर आप लोगों ने रवैया बना लिया पहले दिन से कि बहुत ताव में आ रहे हो कि हाँ यार ना कर दिया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो ताव आप लोगों को बनाकर रखना है स्टार्टिंग से ही, अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही अगर चाहते हैं अपनी जॉब का अच्छे से एंजॉयमेंट करना, ठीक है। ये एक पर्सनल राय है, बाकी तो आप लोग करोगे वैसे जैसा आप लोगों को लगेगा। ये ओनली किसी पोस्ट पर जाए आप लोग इंडिया के अंदर, अपनी एक ग्रीमा बनाकर रखना ताकि इंसान को लगे हाँ ये इंसान जो है भाई साहब कुछ भी कर ले, ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, वो वाला माहौल रखना, तो जिंदगी में कभी टेंशन नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली कई दिन से रुका हुआ था आर्टिकल, मैंने सोचा था संडे वाली जो मैगजीन आएगी उसमें इसको कवर करूंगा, तो यहाँ पर इसलिए आज इस आर्टिकल को कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये आर्टिकल डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों से यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो काफी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया और उसके नेबर के बारे में। तो यहाँ पर दो लंगोटियां यार हैं जो कि अपने आप को बताते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो इतनी गहरी है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती टूटेगी नहीं, ठीक है। तो ये है पाकिस्तान और चाइना, बेसिकली दोस्ती क्या है, बेसिकली दोस्ती के नाम पर एक तरीके से मांगना और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली बातें हैं। रियलिटी में दोस्ती बराबर वालों में होती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो जब यहाँ पर इतना डिफरेंस हो तो वहां पर दोस्ती नहीं है, काम निकाला जाता है। पाकिस्तान अपना काम निकालता है उसको पैसा मिलता रहता है, और चाइना अपना काम निकालता है वो एक तरीके से उसको एक पपेट मिल जाता है काम कराने वाला। तो काफी अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आखिर आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली गई है। तो बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पर लेकिन बेस क्या है इस आर्टिकल का पहले ये समझिए। ये आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि अभी यहाँ पर अपोजिशन के जो लीडर थे यहाँ पर उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। तो ये बोला गया ये अभी प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से ये रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद हो गए। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो थे वो अच्छे हुआ करते थे, ऐसी कुछ बातें उनके द्वारा बोली गई। तो इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल लिखे गए यहां पर, तो एक ये भी आर्टिकल था उसमें से, तो मुझे लगा कि टाइम मिलेगा तो अच्छे से डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आखिर वो दिन आ ही गया, तो अच्छे से सुनिएगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहां पर, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, जिससे आप लोग चीजों को काफी अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। तो समझते हैं एक एक पॉइंट यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है, पर उससे पहले आप लोग मैप देखिए, ये मैप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारी कंट्री का। अगर आप लोग बात करेंगे जो बेसिकली मैप है खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाला, वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन यहाँ पर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोग याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है यहाँ पर वो आप लोग को देखने को मिलेगी, ये बेसिकली किसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में। 1962 की जब वार हुई थी उस टाइम पर चाइना के द्वारा ये एरिया ऑक्युपाइड कर लिया गया था, और तब से ये एरिया है बेसिकली चाइना के अंडर, और इसको एक्साइज चीन बोला जाता है यहां पर ये जो एरिया है। और यहां पर जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक पर्टिकुलर एरिया यहां पर ये वाला है, ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है इस एरिया के बारे में, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को कि इंसान जो है जब गिरता है तो कितना गिर जाता है। ये एरिया बेसिकली पाकिस्तान के कंट्रोल में था यहाँ पर, और पाकिस्तान ने ये एरिया जो था ये गिफ्ट में चाइना को दे दिया 1963 में, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों दे दिया, उसकी कहानी में आप लोगों को आर्टिकल में बताऊंगा, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा कि कैसी कैसी हरकतें लोग करते हैं जब यहाँ पर वो एक तरीके से गिरने पर आ जाते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री के ऑफिशियल मैप के बारे में, तो ऑफिशियल मैप के बारे में एक बात याद रखिएगा, हमारी कंट्री का ये जो पोर्शन है ये बेसिकली अफगानिस्तान के साथ में टच करता है। तो हमारी कंट्री जो है वो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर टच करती है, ऑफिशियल मैप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकल कर आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जाम में कि हमारी कंट्री अफगानिस्तान को टच करती है, पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया टच करता है, पर हां टच करती है क्योंकि ये हमारा ही एरिया है, ठीक है। और आज की डेट में असेंबली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 24 सीट जो है हम लोग इसी के लिए रखते हैं, भले ही वहां पर इलेक्शन नहीं होते हैं पर लेकिन इसके लिए हम लोग सीट रखते हैं असेंबली के अंदर भी, वो आप लोगों ने नॉर्मली फील किया होगा, ठीक है। ये मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था। तो ये सारी बातें बेसिकली मैप के बारे में बताती। अब आर्टिकल सुनने में आप लोगों को मजा भी आएगा और उसको आप लोग समझ भी पाओगे। अब आर्टिकल के बारे में सुनते हैं। आर्टिकल में ये बोला कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्वेश्चन बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट पर क्वेश्चन किया गया पार्लियामेंट के अंदर में कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो खराब हो गए हैं, और इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान जो है वो काफी करीब आ गए। तो इसकी वजह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर भी जाकर एक कमेंट किया
कि अगर इतनी ही ज्यादा बातें दिख रही हैं तो हिस्ट्री उठाकर देखो 1962 में, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या हरकतें की हैं। यानी कि उन्होंने सीधा जो है वो अपोजिशन पर कमेंट कस दिया। कि पास्ट में उठाकर देखो तो पता चल जाएगा कि कौन कौन पास में आया था और कहां से पास में आए, यानी कि 1962 की वॉर के पास में बातें चलेगी। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं सारी बातें जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट करोगे। आर्टिकल को समझने के लिए मैं आप लोगों को वर्ल्ड का मैप दिखाता हूं जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये है यहां पर अपनी प्यारी कंट्री, यहां पर ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया यहां पर पाकिस्तान, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगर ये एरिया जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर है तो अब आप लोग टॉपिक को समझिएगा मुद्दा क्या है। जब यहां पर कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर क्या होता है बेसिकली, यहां पर ये यूएसए और यूएसआर के बीच में लड़ाई चल रही थी। उस टाइम पर इंडिया ने जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा, इन दोनों के बीच में हम लोग को नहीं पड़ना है। ठीक है, आजाद हो गए 1947 में, यहां पर इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बन गए, पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो यहां पर बेसिकली इसके खेमे में जाकर बैठ गया, यूएसए के खेमे में जाकर बैठा। उसका कहां से पता चलता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बोलते हैं आप लोग नेटो, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह कि जो भी पर्सन यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रुप में आकर जुड़ गया तो यहां पर इसका मतलब यह कि वो सारे एक साथ में रहेंगे, और नेटो के किसी एक मेंबर को किसी ने हाथ लगा दिया तो ये उस पर अटैक करेंगे सारे, इसका मतलब ये कि सारों पर हाथ लगा दिया। ऐसी बातें यहां पर देखने को मिलती है। जैसे मैं नॉर्मली एक डायलॉग बोलता हूं कि यहां पर अगर किसी ने देवसेना को हाथ लगाया तो ये समझो बाहुबलियों की तलवार को हाथ लगा दिया, तो नेटो के मेंबर का कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन पाकिस्तान डायरेक्ट नेटो का तो मेंबर नहीं बना, पर लेकिन दो ग्रुप थे जिनका नाम था, एक का नाम था SEATO और दूसरे का नाम था CENTO, तो सिएटो और सेंटो का मेंबर बन गया। अब ये क्या है इसके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूं। SEATO क्या है, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर बनाई गई थी 1954 में, यानी कि अभी देखो ज्यादा जल्दी नहीं हुआ है, देश अभी आजाद हुए थे यहां पर, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई 1954 में। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को थाईलैंड बैंकॉक के अंदर में देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको लिखते चलना, अगर लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लिखने लायक है अपने हिसाब से, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जिनको पता है बहुत सारी चीजें पता है, जिसको पता है कि अभी नया नया सुनना स्टार्ट किया, तो अपने हिसाब से आप लोग कुछ नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये जो सीटो है यहां पर, ये इसका मेंबर बन गया बेसिकली पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान इसका मेंबर बना, और इस मेंबर से जो एरिया के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका था, वो था यहां पर बेसिकली यूएसए का। हालांकि आगे चलकर इसको डिसॉल्व कर दिया गया, आज की डेट में आप लोगों ने इसका नाम सही नहीं सुना होगा क्योंकि इसकी कहानी खत्म हो चुकी है 1977 में। ठीक है, तो यहां पर आकर इसकी कहानी खत्म होगी सीटों की। ठीक है, पर पाकिस्तान इसका मेंबर था, इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर एक तरीके से यूएसए के साथ में मिलकर काम कर रहा था। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा था यहां पर सेंटो, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की। ये सेंटो है, इसको बोलते हैं बेसिकली सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाई गई थी यहां पर। इसका जो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 1955 में निकल कर आई थी। ठीक है, 1955 में यहां पर बनाई गई ये सेंटो, याद रखिएगा ये भी बेसिकली डिसॉल्व कर दी गई, इसलिए आप लोग इसका नाम नहीं सुनते हैं। 1955 में बनाई गई, पर लेकिन आगे चलकर इसको फिर यहां पर ये भी आगे डिसॉल्व कर दी गई। ठीक है, तो 1979 में चलकर इसको डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, ये बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए अभी रिसेंटली इसके बारे में। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना उठाकर, तो उनमें यहां पर मेंशन भी रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप लोग इसको समझ पाओगे। तो यहां पर देखिए इस टाइम पर क्या था, ये था बेसिकली किसके साथ में, यूएसए के साथ में था पाकिस्तान, तो यूएसए का पपेट माना जाता था काफी अच्छे से। पर लेकिन अगर बात करें माओ जिदांग थे वो अदर साइड थे, इनके चाइना जो था वो यहां पर पाकिस्तान के साइड में नहीं था। क्यों? क्योंकि चाइना जो था वो सोवियत यूनियन के साथ में था, उसकी आइडियोलॉजी जो थी वो सोवियत यूनियन के साथ मिलती थी, और पाकिस्तान किसके साथ में था, पाकिस्तान था यूएसए के साथ में। अगर इंडिया के बारे में बात करें, हमारी कंट्री क्या थी, यहां पर चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन थे। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार कि हिंदू चीनी भाई भाई, हम लोगों ने इतने अच्छे रिलेशन थे एक दूसरे के साथ में कि शादी विवाह में भी हम लोग एक दूसरे के यहां जाया करते थे। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि एंटी कोलोनियल, यहां पर जहां पर जैसे कोलोनियल रूल रहा यहां पर अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया 200 साल तक, तो जहां जहां पर भी हम लोग यहां पर बोलते थे अंग्रेजों का रूल है वहां को हटाओ, मिलकर काम करेंगे। नॉन अलाइंग अप्रोच हमारी रहती थी, यानी किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हम लोग को। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत हम लोगों ने बना लिया था। पंचशील के सिद्धांत में क्या था कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, म्यूचुअल बेनिफिट के साथ में एक दूसरे के साथ में काम करना है। तो ऐसे सिद्धांत हम लोगों ने बना लिए, जिसको हम लोगों ने बेसिकली पंचशील बोला हम लोगों ने उनको। पंचशील मतलब पांच सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए तो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो यहां पर पांच सिद्धांत के बारे में आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले यहां पर ये पंचशील, यहां पर तो रिलेशन को मेंटेन रखने की बात की गई थी ताकि दोनों मिलकर काम कर सके। पर लेकिन सारा का सारा काम जो है वो धरा का धरा रह गया जब यहां पर 1962 की वॉर हुई। 1962 की वॉर हुई, इससे पहले जो पाकिस्तान था वो बिल्कुल कंप्लीटली भाई साहब चाइना की गोद में बैठा, उसके यूएसए की गोद में बैठा हुआ था। पर लेकिन जैसे यहां पर आप लोगों को पता है स्टार्टिंग से पाकिस्तान और इंडिया की बनती नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा चिढ़ता है अगर बात करें यहां पर। ठीक है,
तो जैसे यहां पर हम लोग हारे उस वार के अंदर में, तो पाकिस्तान को लगा वाह यही तो चाहिए था, मैं तो आज तक हरा नहीं पाया, भाई साहब मुझे दोस्त मिल गया हराने वाला, इसको तो गले लगा कर रखूंगा मैं बहुत अच्छे से। तो वही हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की गई, चाइना को गले लगा लिया, और गले में क्या किया, चाइना को तुरंत सलामी दी एक पर्टिकुलर एरिया को चाइना की गोद में डालकर। ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर जिसको आप लोग देखते हैं अभी, यहां पर मैंने जो एरिया बताया, यहां पर ये वाला एरिया जो 1963 में दिया गया जब हम लोग वॉर हार गए यहां पर, तो चाइना को गिफ्ट कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। इसका नाम आप लोग जरूरी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सकसकाम वैली, ठीक है, या फिर सकसकाम घाटी आप लोग बोल सकते हैं। तो चाइना को दे दिया गया 1963 में पाकिस्तान के द्वारा, चाइना को बोला कि लो हमारी तरफ से तोहफा कबूल करो, जहां पर ना तुसी ग्रेट हो, तुमने उसको हरा दिया जिसको आज तक हम नहीं हरा पाए। तो चाइना को लगा चलो सही है यार, कुछ तो मिला कम से कम, एक तो हमारा एरिया वैसे ही कैप्चर कर लिया उसने, जो कि हमारे लिए काफी दुख की बात थी, पर लेकिन कुछ पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया, तो ये सारा पोर्शन अब चाइना के कंट्रोल में है। तो यहां से पाकिस्तान को ये लगने लगा यार चाइना सही है, अगर चाइना के साथ मिलकर मैं काम करूं तो चीजें अच्छे लेवल पर ले सकता हूं। इतना हिम्मत आ गई चाइना के अंदर में कि पाकिस्तान के अंदर में कि 1965 में उसको लगा कि सारी चीजें मेरे हिसाब से चल रही है, तो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, समझ रहे आप लोग। तो ये हरकतें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इतनी ज्यादा बदतमीजी यहां पर काटी गई। अगर बात करें यहां पर एक ट्रांस कारोकोरम एक ट्रैक यहां पर बनाया गया बेसिकली, जिसका नाम दिया गया यहां पर, जिसका नाम दिया गया हुंजा गिलगित रीजन के अंदर में, पाक ऑक्युपाइड एरिया के अंदर में यहां पर। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो कि ये भी एरिया वो है जो पाक ऑक्युपाइड एरिया, मैंने भी आप लोगों को बताया कि यहां पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया का पोर्शन कंट्रोल करता है। ठीक है, काराकोरम हाईवे बनाया गया चाइना पाकिस्तान के द्वारा मिलकर, चाइना पाकिस्तान के द्वारा मिलकर क्या बनाया गया, मतलब पाकिस्तान को चाइना ने बनाकर दे दिया। ठीक है, 1970 में, तो और ज्यादा थोड़े से रिलेशन जो है वो थोड़े से और आगे बढ़े। तो यहां से लगने लगा कि हाँ अच्छा दम चल रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान को हिम्मत आई और 1965 में पाकिस्तान ने लड़ाई कर दी। पर लेकिन हुआ क्या यहां पर, हुआ यहां पर कि पाकिस्तान ने मुंह की खाई, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने मुंह खाई और यहां पर उसको लग रहा था कि चाइना जो है वो यहां पर इसके साथ में आएगा, चाइना दुश्मन है तो ये इसके साथ में आ जाएगा, पर लेकिन उसको सारी चीजें जो थी कहानी समझ में नहीं आई, कैसी थोड़ी ना चाइना तुम्हारे साथ में आ जाएगा। तो यहां पर एक तरीके से वो सारी जो चीजें थी वो सारी चीजें यहां पर इसको समझ में आई थोड़ी सी, कि ऐसा भी नहीं कि चाइना तेरे साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। यहां पर अगर बात करें एक तिडमबाजी बन गई यहां पर यूएस चाइना एंड पाकिस्तान, अगर रियल डिप्लोमेटिक अगर एक कंडीशन को आप लोग समझने की कोशिश करोगे 1970s में जो पाकिस्तान है यहां पर कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे यहां पर यूएसए लेड जो यहां पर ग्रुप है उसके अंदर यहां पर काम करता था। ठीक है, पर लेकिन अगर बात करें चाइना जो है चाइना अलग देखने को मिलेगा, तो हेनरी जो किसिंगर है यहां पर एक तरीके से, या फिर रिचर्ड निक्सन जो है उनके द्वारा लेड गवर्नमेंट चल रही थी, और चाइना में माओ जिदांग और यहां पर इसी के साथ में यहां पर ज़ाओ इनलाई, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो यहां पर लीडर हुआ करते थे चाइना के अंदर में। इन दोनों की आइडियोलॉजी यहां पर अलग थी, एक कैपिटलिज्म को फॉलो करता था यूएसए, और चाइना जो था वो बेसिकली यहां पर कम्युनिज्म को फॉलो किया करता था, यानी कि यहां पर एक तरीके से प्राइवेट वाला एरिया ज्यादा काम करता था और चाइना में गवर्नमेंट वाला एरिया ज्यादा काम करता था, मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यहां पर फिर भी चाइना को लगा यार एक पपेट मिल रहा है काफी अच्छा, इसका आगे चलकर इस्तेमाल किया जा सकता है, और चाइना ने किया भी ऐसा ही, एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन यहां पर बेसिकली पाकिस्तान के साथ में साइन किया। पाकिस्तान में जितनी भी सारी चीजें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी ना, जनता की कोई गलती नहीं उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी काम करने की कोशिश की ही नहीं, वरना सारी चीजें पाकिस्तान के साथ में थी, हमारे साथ में आजाद हुआ था और कहां पाकिस्तान रह गया और इंडिया कहां पहुंच गया, इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आज के दिन में कि वहां पर हमेशा से प्रॉपर वे में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम आया ही नहीं, जिसकी वजह से सारे इशू रेगुलर आप लोग को देखने को मिले। तो रिलेशनशिप जो है यहां पर चाइना और पाकिस्तान के बीच में वो काफी एक अलग लेवल पर आप लोगों को पहुंची यहां पर नजर आई, खासकर 1970 से लेकर 80 तक इनको न्यूक्लियर कोऑपरेशन का प्रोग्राम मिल गया यहां पर, जिसमें 1974 में यहां पर इनको आप लोगों को देखने को इनको यहां पर ये 1970 से इसके बीच में यहां पर इनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ी। न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो था यहां पर की पिलर था दोनों के बीच में। इसी के बाद में 1974 में हम लोग को भी अपने प्रोग्राम चलाने पड़े इस्माइल बुद्धा करके, कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलना पड़ेगा, हम लोग को भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। तो हमने भी अपना काम करना स्टार्ट किया, जब पड़ोस में दो पावर ऐसी आके बैठ गई जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, पता चला कल को पटाखे पटकाने पर आ गए, तो हमको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास में पटाखे हैं तो हम भी अपनी कमान तैयार किए बैठे, एक बार टच तो करके देखो, तो टच भी नहीं कर सकते तुम, ऐसा हम लोग अपना काम करेंगे। तो हम लोगों ने भी अपना काम कर दिया। तो चाइना के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया पाकिस्तान को न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी सेंड करने में। सितंबर 1986 यानी कि 1986 में अगर आप लोग बात करेंगे, तो यहां पर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहां पर ट्रांसफर की गई। 1991 में चाइना एग्री हो गया पाकिस्तान को सप्लाई करने में, जिसका नाम है किनसान वन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और इसी के साथ में आफ्टर ये यहां पर अगर बात करें इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया न्यूक्लियर यहां पर डिवाइस बेसिकली 1998 में, तो पाकिस्तान के द्वारा भी फॉलो किया गया सेम पैटर्न और चाइना ने यहां पर पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया। इन्हें कहने का मतलब यहां पर ये एक कोल्ड वॉर तो चल रही थी यहां पर उधर, दूसरी कोल्ड वॉर यहां पर बाद में फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और खासकर कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इसमें घी डालने का काम कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के अकेले तो बस की काम ये था नहीं, पर लेकिन वहां पर चीजें चल रही थी। और आप लोगों को पता है यहां पर ये वो वाला माहौल था, अगर यहां तक आप लोग पहुंचे हो बेसिकली, जिस टाइम पर इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा गलत चल रहे थे।
तो फिर आज की डेट में इतने अच्छे रिलेशन, मतलब अच्छे तो नहीं, आज के डेट में फिर भी एक प्रोडक्टिव रिलेशन है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यापार है, लगभग 100 से ज्यादा बिलियन का व्यापार दोनों कंट्री के बीच में होता है। तो ये हुआ कैसे, इसके बारे में बात करते हैं, कहां से शुरुआत हुई। 1962 के बाद में जब दोनों की कहानी खराब हो गई, एक दूसरे से यहां पर बेसिकली बात नहीं करनी है, माहौल ऐसे ही बना रहा, तो यहां पर जो एक तरीके से जो स्टैग्नेशन बना हुआ था वो तोड़ा गया। यहां पर जो एक तरीके से यहां पर एक रुकावट थी दोनों के रिलेशन में, ये 1988 में टूटा जब राजीव गांधी जी के द्वारा विजिट किया गया यहां पर चाइना में, और यहां पर एक माहौल बना कि ठीक है अब थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करेंगे। तो वहां से कॉन्सेप्ट निकल गया कि बाउंड्री पर तो दोनों के एग्रीमेंट अच्छे हैं नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में लड़े बैठे हैं, तो फिर काम कैसे किया जाए। तो यहां से मुद्दा ये निकल कर आया कि चलो यार ऐसा करते हैं कि ट्रेड व्यापार करना कम से कम स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो भी है बाउंड्री वगैरह को उसके साढ़े साढ़े हम लोग सुलझाते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट है चाइना का। चाइना क्या कर रहा है यहां पर, वो कोशिश कर रहा है कि यहां पर ट्रेड अच्छा खासा चलता रहे यहां पर, और बाकी बॉर्डर के इशू पर वो हमेशा सप्रेस करता रहे, और वो करता भी है। तो दोनों को सेपरेट कर दिया, ट्रेड और बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि बॉर्डर पर जो लड़ाई हो रही है वो अलग है और यहां पर ये अलग है। ये मुद्दा जब यहां पर देखने को मिला तो पाकिस्तान को भी आज के आप लोग ये देख सकते हैं, चाइना ने काफी अच्छे से यहां पर एक पैटर्न फॉलो किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ज्यादा उसने कोई ज्यादा इंटरफेयर किया नहीं है, ठीक है, ज्यादा एक तरीके से कमेंट किया नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मली एक खबर सुनी होगी कि दूसरों के घर पर पत्थर वही फेंकते हैं जिनके खुद के जो घर है वो बेसिकली शीशे के नहीं होते हैं, ठीक है। अगर खुद के घर भी शीशे के हो तो दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जरा सी देर में तुम्हारे भी शीशे जो है वो चकनाचूर हो जाएंगे। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 में, चाइना ने पाकिस्तान को जो है बेसिकली एडवाइस किया कि विड्रॉ कर ले अपने ट्रूप वहां से, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये उसको सपोर्ट करने से यहां पर मना कर दिया, जबकि पाकिस्तान को लग रहा था यार तू तो मेरा दोस्त है, तू ही तो मेरा दोस्त है, पर तू तो यार साथ नहीं दे रहा है तो गलत बात है। पर लेकिन चाइना जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा ना, वो क्यों इसके हिसाब से काम करेगा। सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली जब पाकिस्तान की बदतमीजी थोड़ी और आगे बढ़ी। थोड़ी और आगे कहां पर बढ़ी, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दिया गया यहां पर, उस टाइम पर ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था आपकी बार तो तू गया, उस टाइम पर काफी बड़ी लार्ज स्केल पर जो हमारी जो सेना है उनको मोबिलाइज किया गया, ठीक है। तो ये 2002 का ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला पार्लियामेंट अटैक के बाद में, उसमें भी चाइना ने साइड में अपने आप को रखा। मुंबई टेरर अटैक हुआ यहां पर उस टाइम पर, बालाकोट स्ट्राइक हुआ यहां पर उस टाइम पर। तो जो चाइना है यहां पर एक तरीके से वो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर गलती बताता रहा इन चीजों की, कि ये गलत बातें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यानी कि चाइना जो है वो कहीं भी एक तरीके से खुलेआम ऐसे पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ नहीं मिला कि यहां खुलेआम पाकिस्तान को बोला है कि तू चल पीछे मैं खड़ा हूं, वो वाली कंडीशन कहीं नहीं देखने को मिली। तो चाइना पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्राइंगल है यहां पर वो एक अलग ही पैटर्न में आप लोगों को नजर आएगा, और यही रीजन है इंडिया देखिए कभी भी ना किसी के कंट्रोल में काम नहीं करता है। आज के दिन ना तो हम लोग यूएसए के कंट्रोल में, ना हम लोग चाइना के कंट्रोल में, ना हम लोग रशिया के कंट्रोल में। इंसान अगर इंडिपेंडेंट रहेगा ना तो उसकी एक औकात रहती है, ठीक है, वो एक तरीके से किसी के साथ में बैठ के बातें कर सकता है। पर लेकिन अगर किसी के कंट्रोल में कोई इंसान आ जाता है ना तो फिर वो क्या रहता है, उसकी कंडीशन कुछ नहीं रहती है, वो ये रहता है कि अच्छा ये तो वो है, बेसिकली मेन पार्टी को जाना जाएगा। अगर रशिया चाइना के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा आज के में तो कल को चाइना का सेकेंडरी पार्ट बोलने लगेंगे उसको, रशिया को ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपना खुद का पाथ बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। 99% लोग क्या करते हैं, खुद का पाथ नहीं बनाते और फिर बोलते हैं अच्छा ये तो उस जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इंसान अगर खुद से अपने हिसाब से काम करता है जो कि इंडिया कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट पाथ बनाकर चल रहा है, जो पाकिस्तान एक अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान की कभी कोई इज्जत नहीं हुई। तो अपना पाथ बनाने वाले की एक अलग इज्जत रहती है। तो यूएसए इंडिया जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं क्लोज आ गए इसके बाद में, जब न्यूक्लियर डील हुई यहां पर 2005-06 में, और यहां पर बोथ चाइना और पाकिस्तान जो है उनको टेंशन भी होने लगी इस चीज को लेकर। क्योंकि यहां पर देखिए इंडिया जो है ना उसने सोचा कि अब यहां पर थोड़ा सा गेम खेलने का टाइम आ गया, यानी कि ऐसा तो नहीं है किसी के साथ में जाकर मिलना है, पर लेकिन ऐसा भी होना चाहिए किसी से दूर नहीं है, यानी कि अगर चाहे तो जरूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब आया इंडिया के एरिया से होते हुए इन्होंने यहां पर कॉरिडोर बनाया, और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया 2013 में, यहां पर इसकी नींव रखी गई। तो इसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इवन जो एरिया हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई का एरिया है जिसको बेसिकली पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं, इससे भी निकालकर यहां पर ही अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर ले गए। तो इंडिया ने बोला यार ये तो बदतमीजी है सरासर, ये तो हमारा एरिया था यार, तुमने तो बोला था आप लोग बीच में नहीं आओगे। पर लेकिन चाइना ने जो है उसको एक अलग तरीके से देखा, ठीक है। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन देखने को मिली जो कि यहां पर इंडिया को काफी बुरी लगी। तो यहां पर ये ओल्ड इंडियन ओशन में जाकर कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान वाले एरिया से होता हुआ, तो चाइना के द्वारा पूरा जाल बिछाना स्टार्ट कर दिया। इंडिया जो है यहां पर अगर बात करें तो एक तरीके से ग्वादर पोर्ट के मामले में यहां पर देखोगे कि यहां पर ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहे हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मतलब जैसे यहां पर जो एक जो श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट है यहां पर उसको अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं, इधर यहां पर पाकिस्तान का पोर्ट अपने कंट्रोल में ले लिया, उधर म्यांमार की साइड में चीजें अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, तो हमारे देश को चारों तरफ से ऐसे घेर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो उन्हें एक तरीके से कल को अगर अटैक करना पड़ जाए तो चारों तरफ से अटैक किए जाए, तो वो माहौल इनके द्वारा बना रखा है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहां पर बात करें इंडिया और चाइना के बारे में यहां पर और पाकिस्तान के बारे में, आर्टिकल 370 यहां पर हमारे द्वारा हटाया गया, रिवोक किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है।
तो यहां पर चाइना और पाकिस्तान को और ज्यादा क्लोज लेकर आगे यहां पर ये माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के द्वारा इसको चीजों को क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि चाइना ने खुलेआम क्रिटिसाइज नहीं किया। चाइना खुलेआम क्यों क्रिटिसाइज नहीं करते? क्योंकि अभी मैंने बताया कि चाइना को अपनी भी औकात देखनी पड़ती है। कल को चाइना अगर खुलेआम क्रिटिसाइज करेगा तो चाइना का हांगकांग वाला इशू है, चाइना का ताइवान वाला इशू है, चाइना का जिंजियान वाला इशू है। ये ऐसे एरिया है जहां पर चाइना को उठक उठक कर पटक सकते हैं हम जरा सी देर में। तो इसलिए कभी भी देखिए आज की डेट में ना इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को बड़ी एक नहीं प्रॉपर वे में खेलना पड़ेगा। अगर कुछ भी हरकतें तुमने की ना तो तुम समझो कि तुम्हारी नैया कट गई। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर वे में चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, ये जरूरी है। यहां पर 2002 में चाइना के द्वारा साइन किया गया यहां पर डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान, ताकि इनहेंस किया जाए यहां पर डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान आर्मी और इसी के साथ में पीपल लिबरेशन आर्मी। तो ये आप लोगों को यहां पर कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसको यहां पर समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर चाइना और पाकिस्तान की रिलेशन और ज्यादा बढ़ गए। पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज मेड जो यहां पर कंबैट ड्रोन भी यहां पर लाए गए, और कई बार तो वो हमारे एरिया में भेजते हैं इनको घूमने के लिए कि पार्टी करके आओ, जाओ इंडिया की साइड में घूम के आए, बम बम गिरा के लेके आओ। कई बार तो देखिए ड्रोन नहीं होते तब तो जमीन खोद कर आया करते थे। ठीक है, अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चाइना ने दी तो अभी आसमान से आने लगे। अपने आप तो खुद का कुछ करके खाना नहीं है। और एजुकेशन पर अगर फोकस करें, हेल्थ पर अगर फोकस करें, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट पर अगर फोकस करें, प्रोडक्टिविटी पर फोकस करें, तो पाकिस्तान के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पर लेकिन वही है कि गद्दी पर कुछ ऐसे लोग आकर बैठ जाते हैं जिसकी वजह से जो पूरे देश को झेलना पड़ जाता है और पूरे देश की जो है बेइज्जती होती है यहां पर नजर आती है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया ने हमेशा चाहे यहां पर साउथ चाइना सी के बारे में बात करें, ताइवान में जिंगजियांग या फिर तिब्बत वाले रीजन को भी हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो हम लोग कभी इसके बारे में कुछ बोलते नहीं है। अभी बात करें यहां पर, अगर यहां पर बेसिकली अगर तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में टेक ओवर किया गया, ठीक है, तो चाइना जो है यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको अलग तरीके से देखकर चल रहा है अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि यूएसए वहां पर वापस जा रहा है निकलकर, और अफगानिस्तान में हमारे द्वारा काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो चाइना का अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हमारे लिए वो सही चीज नहीं है। तो वो भी एक नेगेटिव चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान में चाइना को और पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई जैसे यूएसए यहां पर निकल कर गया। तो ये भी कई सारे इशू है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इनको पास में लेकर आ रहे हैं, कोई एक इशू नहीं है। अब पाकिस्तान में से यहां पर बेसिकली अफगानिस्तान में से यूएसए निकल कर गया, तो इसमें इंडिया का क्या रोल रह गया चाइना पाकिस्तान को करीब आगे, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारे इशू देखने को मिलेंगे यहां पर, चाइना और पाकिस्तान क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया के लिए दिक्कत हो जाती है, टू फ्रंट वार लड़नी पड़ती है। अब पाकिस्तान को जरा सी देर में वो एक तरीके से उकसाकर चाइना कुछ भी करवा सकता है, तो हम लोग को दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा, चाइना की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर जो एक तरीके से नेगोशिएशन जो है यहां पर उसके ऊपर हम लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लोस्ट ट्रीटी हो चुकी है एक तरीके से। चाइना जो है वो हमेशा क्या करता है, एक तरीके से इंडियन टेरिटरी को क्लेम करता है। अक्साई चीन हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू एक कश्मीर वाला एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला, सिक्किम वाला एरिया, ये बोलता है कि ये तिब्बत का साउथ तिब्बत था, अब तिब्बत तो मेरे कंट्रोल में आ गया, ये भी मेरा ही एरिया है। तो ऐसे ऐसी बदतमीजी काटता है और बोलता है स्टेपल वीजा ले लो, यानी कि यहां के जो नागरिक है वो आराम से मेरे यहां पर आ जाओ, तुमको प्रॉपर वीजा नहीं स्टेपल वीजा देने लेने की जरूरत है, यानी कि ऐसा मानता है कि चाइना के ही नागरिक हो तुम। तो ये बदतमीजी काटता है, और बदतमीजी कौन काटेगा हमेशा, वो काटेगा जो ताकतवर हो चुका है। तो चाइना जो है वो ग्लोबल पावर के स्टेटस पर अपने आप को ला चुका है, इसके चलते वैसी बदतमीजी काटता हुआ नजर आता है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों जो है वो शेयर करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव आज के डेट में, इसकी वजह से चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर आज के डेट में यहां पर ये इंडिया को टैकल करने की कोशिश है दोनों की यहां पर, तो इसलिए पार्टनरशिप और गहरी हो जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसलिए यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर भी आ गए, तो ये भी एक माहौल देखने को मिलेगा। तो कोई ऐसा बोल दे अभी दोनों एक दूसरे के पास में आ गए ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा सा ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं माहौल को ध्यान में रखते हैं, पर लेकिन ऐसा बोल देना कि इस अब की वजह से ही चीजें सारी हो गई हैं तो वो बिल्कुल गलत है। तो कुछ भी लिखने के लिए आ जाए चाइना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा कहानी बता दी यहां पर क्या कंडीशन बन रही है दोनों के बीच में, कहां कहां से चीजें हुई, कौन कौन सी वॉर हुई दोनों के बीच में, सेंटो और ये जो बेसिकली यहां पर सेंटो और यहां पर सीटो क्या था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सारी कहानी इस तरीके से आप लोगों को बता दी, अब कोई भी कोई पूछेगा आप लोगों से दोनों के बारे में तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन हो तो बताया, कंफ्यूजन नहीं तो थम्स अप देना अगर आप लोगों को पसंद आया पूरा डिटेल में जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। आइए अब क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सी सही है, तो आंसर क्या सही है यहां पर, आंसर यहां पर ए सही, यानी कि यहां पर ओनली वन स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है, यहां पर देखिए कंफ्यूजन में डालने के लिए जरा जरा से चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया तो गया इसको, पर लेकिन 2003 में दिया गया, ना कि यहां पर 1964 में। 1964 में तो बनाने की बात की गई थी जब के संतानम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये बॉडी, यहां पर के संतानम कमेटी के बारे में क्वेश्चन बन जाए तो ये टॉपिक आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा सीवीसी के बारे में। तो याद रखिएगा के संतानम कमेटी के द्वारा यहां पर बताया गया था, और यहां पर नित्तूर श्रीनिवास राव जो है वो पहले सीवीसी बने थे यहां पर, इसी के साथ में यहां पर चेयरपर्सन होते हैं और दो अदर मेंबर होते हैं,
यानी कि तीन मेंबर की बॉडी देखने को मिलेगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और विजिलेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें यहां पर एक कमेटी बनती है जिसमें यहां पर प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं यहां पर उस कमेटी के, और इसी के साथ में जो होम मिनिस्टर रहते हैं यहां पर, इसी के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर जो किसके यहां पर लोकसभा के, तो ये मिलकर यहां पर रिकमेंडेशन देते हैं। पर लेकिन अगर रिमूव करना होता है सीबीसी को तो सुप्रीम कोर्ट बताता है यहां पर एक रिपोर्ट के बेस पर, जिससे यहां पर पता चलता है कि इनकैपेसिटी या फिर मिसबिहेवियर किया गया है। ऐसे नहीं कि अपने आप ही आप लोग इसको हटा दोगे। तो सीबीसी के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक टॉपिक हो गया आप लोगों का सीबीसी का, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखना, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर दो, ये वीजा के बारे में बात की जा रही है तो मैंने आप लोगों को बताया कई बार आंसर इसका सी सही है, वन और थ्री मत समझते हैं कैसे। ये कुछ वीजा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। H1B वीजा होता है, ये स्किल्ड वर्कर के लिए दिया जाता है। जब यहां पर बेसिकली वाइडली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जो इंडियन है, ठीक है, इंडियन नेशनल को नॉर्मली काफी ज्यादा यूज करते हैं हमारे देश के लोग। तो स्किल्ड वर्कर अगर जाकर यूएसए में काम करना चाहते हैं तो H1B वीजा उसको दिया जाता है, किसी न किसी फील्ड में उसकी स्किल होनी चाहिए जो कि वो काम कर सके। H2B वीजा क्या होता है यहां पर, ये इशू किया जाता है सीजनल वर्कर के लिए, यानी कोई सीजन चल रहा है उस सीजन में, जैसे यहां पर हमारे देश के अंदर में गेहूं कटाई में गेहूं काटते हैं, ईंख बोना है या फिर ये चावल धान वगैरह तो काम करना है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। L1 वीजा होता है यहां पर, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है। इंडिया के अंदर अगर आप लोग गूगल में काम कर रहे हैं, आप लोगों का ट्रांसफर हो गया लंदन के गूगल में या फिर यूएसए के गूगल में, ठीक है, तो यूएसए के गूगल में अगर आप लोग जाते हैं तो L1 वीजा आप लोग का लगेगा। J1 वीजा क्या होता है यहां पर, J1 वीजा होता है वर्क स्टडी समर प्रोग्राम, एक तरीके से जब आप लोग काम भी करते हो वहां पर पढ़ाई भी करते हो तो ये वाला वीजा मिलता है। पर लेकिन H4 वीजा एक और होता है यहां पर, वो किसको मिलता है, जब H1 वीजा आप लोग स्किल फोर्स है आप लोग वहां पर जा रहे हैं तो आप लोग का जो डिपेंडेंट है, आप लोग का हस्बैंड है अगर आप लोग लड़की हैं और आप लोग की वाइफ अगर आप लोग लड़के हैं या फिर आप लोग के बच्चे हैं तो उनको वीजा लेना पड़ेगा H4, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान निकोबार के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर इनको अगर लगाने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा ये कुछ एरिया है, यहां पर अंडमान ऊपर हो जाता है और निकोबार नीचे हो जाता है। सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान, फिर आता है लोअर अंडमान, फिर आता है पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है वो लोअर अंडमान पर है, और फिर आप लोगों को लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ, मिडिल, लोअर और यहां पर लिटिल, तो ये इसके बारे में ऊपर से नीचे तक, अगर नीचे से ऊपर तक यहां पर कुछ भी ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। कार निकोबार आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में आप लोग यहां पर बात करें और भी, जैसे लिटिल निकोबार हो गया यहां पर, ठीक है, यहां पर ये हो गया निकोबार, इसी के साथ में ग्रेट निकोबार, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिए। हमारी कंट्री में भी बंगाल में आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को ये एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये बात की मैंने ट्रांसपेरेंट, यहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में, ये इसके द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी करप्शन के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर क्या, यहां पर बोला गया कि इंटर गवर्नमेंटल जो गवर्नमेंट है यहां पर फाउंड की गई थी 1993 में, स्विट्जरलैंड बेस है, स्टेटमेंट गलत है यहां पर, ये 20 स्टेटमेंट है यहां पर, दो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर कौन प्रस्तुत करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है, या फिर पूछ ले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है, तो ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग आंसर में भी, ये बर्लिन जर्मनी के अंदर में 1993 में बनाई गई, ना कि ये बनाई गई जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहां पर जो मैंने भी आप लोगों को बताई कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा यहां पर एनजीटी के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर कोई एनजीटी के बारे में पूछे, तो आंसर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। अब कैसे इसको समझिए आप लोग, यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में 2010 में बनाया गया, और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर कंजर्वेशन या फिर दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कोई मैटर आता है तो यहां पर ये उसके बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 21 से यहां पर ये अपनी पावर लेता है जो कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है, पार्ट 3 के अंदर में, क्यों, क्योंकि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, और राइट टू लाइफ कब होगी यहां पर, वो तब होगी जब हम लोग यहां पर जिंदा रहेंगे, तभी तो अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, अगर इन्वायरमेंट बर्बाद हो गया तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो इन्वायरमेंट का जो मुद्दा आता है ये राइट टू लाइफ से निकल कर आता है, इसलिए बोलते हैं कि एनजीटी किस आर्टिकल से निकालकर बनाया गया, आर्टिकल 21 से निकालकर एनजीटी बनाया गया, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा देश दुनिया में तीसरे नंबर का देश है जहां पर एनजीटी बनाया गया, हमसे पहले कौन बाजी मार चुका था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑलरेडी बाजी मार चुके थे। तीसरी बात, यहां पर इसको पावर मिलती है कहां कहां से एनजीटी को, तो यहां पर वोटर एक्ट है, यहां पर एक तरीके से वोटर सेस एक्ट है, यहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, एयर एक्ट है, और इसी के साथ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट है, और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट है। तो टोटल मिलाकर टोटल है 7 ऐसे एक्ट है जहां से ये पावर लेता है अपनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहां से ये पावर लेता है, तो यहां से पावर लेता है बेसिकली, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर वैसे तो न्यू दिल्ली में है, पर लेकिन अलग अलग जगह भी इसके आप लोगों को, जैसे कि भोपाल हो गया, पुणे, कोलकाता या चेन्नई में भी इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। अच्छी बात क्या पर है, 6 महीने में मैटर को इधर उधर कर देता है, यानी कि लंबे समय तक नहीं लटकाता है, 6 महीने में काम को इधर उधर।
इसके अंदर एटलीस्ट 10 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 20 मेंबर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहां पर काम करते हैं। ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है बाइंडिंग होता है, इसका जो डिसीजन आप लोग को रिव्यू में डालना है, ठीक है। तो यहां पर ये अपना डिसीजन भी यहां पर रिव्यू कर सकते हैं, तो पावर है यहां पर रिव्यू करने की, इट्स ओन डिसीजन अगर लगता है कुछ गलत कर दिया है। पर लेकिन अगर फिर भी फेल हो जाते हैं यहां पर ये, तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं 90 डेज के अंदर। 90 डेज के बाद में यहां पर कोई इसको चेक नहीं करेगा, तो 90 दिनों के अंदर अंदर जा सकते हैं, इसलिए मैटर थोड़ा सा जल्दी यहां पर निकल कर आता है। तो ये याद रखिएगा, और नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करता है, यानी कि अपने ही केस में ना तो खुद जज रहोगे और बिना सुने हुए किसी के मैटर में आप लोग रिजल्ट नहीं सुनाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रख सकते हैं। तो है ना, पूरा आप लोग का एनजीटी का टॉपिक भी कवर हो गया। तो यहां पर आप लोग का सीबीसी भी कवर करा दिया, एनजीटी भी कवर करा दिया, एक रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक रिपोर्ट भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। इस तरीके से आप लोगों के सामने सारे आप लोगों के जो कौन कौन से वीजा इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं, तो कई सारे टॉपिक भी आप लोगों के कवर हो गए। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। संडे का था, फंडे के साथ में स्टडी हो गई, हालांकि फंडे तो नहीं हुआ, स्टडी हो गई पूरे। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, तो फीडबैक जरूर देना। और अगर लगता है लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो ये लेक्चर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आप लोग लग रहा है अच्छी चीजें मिल रही हैं आप लोगों को, बिले से इसके पीछे मेहनत रहती है काफी ज्यादा, तो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।